आईपीएल 2022 में भी कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी। मुंबई में बायोसुरक्षित बबल में खेले जा रहे लीग के 15वें सीजन में कोरोना संक्रमण का पहला मामला आया, जिसने फिर से आयोजकों और बीसीसीआई की चिंता में डाल दिया। आईपीएल की ओर से शुक्रवार 15 अप्रैल को जारी एक बयान के मुताबिक दिल्ली कैपिटल्स की टीम फिजियो पैट्रिक फरहार्ट कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए। संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया और दिल्ली की मेडिकल टीम उनकी निगरानी कर रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते लगातार 2 सीजन में आईपीएल यूए में आयोजित करने के बाद इस साल भारत में वापसी हुई थी। हालांकि पिछले सीजन की शुरुआत भी भारत में हुई थी, लेकिन अब कोरोना के मामले सामने आने के बाद इसे रोकना पड़ा था और फिर बचे हुए सीजन का आयोजन यूएई में किया गया था। इस बार देश में हालात लगभग सामान्य होने के कारण इसे पूरी तरह से भारत में ही आयोजित करने का फैसला किया गया था। टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज के मैच मुंबई के 3 और पुणे के 1 मैदान में खेले जा रहे हैं। हालांकि ताजा मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चिंता थोड़ी बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज़।